जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपको दिखाने वाले हैं 2018 हिंदी का मॉडल पेपर। अगर आप 2021 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, इस पेपर को आप तैयार कर लो। इसके पहले मैंने आपको दिखा दिया है 2019 का पेपर 801 AA का और 2019 का ये भी 801 AF का। ये दोनों पेपर अलग अलग हैं। ये 2018 801 HD का, ये 801 तो होता ही है, बस ये कोड बदला होता है तो पेपर बदला हुआ होता है। तो देख सकते हैं यहां पर मैं प्रश्न आज आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न देखिए बार बार आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले आपका ये वाला प्रश्न आता है, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से एक आपको कथन सही होता है उसे पहचान कर लिखना होता है अपने उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या आता है। ये तो सब आप जानते ही हैं, मैंने पीछे आपको वीडियो बना दिया है, आप नहीं देखें जाइए यार देखिए, पेपर को जल्दी से तैयार कर लीजिए, ठीक है। सभी पेपर की वीडियो देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए, इसमें पूछा गया है। अब यहाँ पर मेन बात आती है, हमेशा आप लोग डरते रहते हैं कि यार हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमें पूरी रचना याद करना पड़ेगा, इतनी सारी रचनाएं। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक रहस्यमय बात बताता हूँ। देखिए एक बात है, जितने भी पेपर हैं उनमें से ज़्यादातर रचनाएं जो आपके पाठ्यपुस्तक में लेखक एवं कवि हैं उनकी पूछी जाती है, तो सबसे पहले आपको उनको तैयार करना है। इसमें भी आप देख लीजिए, ये भी आपकी कहानी अनकहानी जयप्रकाश भारती आपके पाठ्यपुस्तक में है, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये भी है, और जंगल के बीच ये, ठीक है, रूपक रहस्य ये वाला है, जंगल के बीच अपने ही पाठ पुस्तक के किसी लेखक का, ठीक है, आप देख लेना या सर्च कर लेना इंटरनेट पे। आगे देखिए, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी देख सकते हैं, मैंने दिखाया भी था। ये देखिए, इंद्रजाल, सेवा सदन, दीपदान, मिट्टी की ओर, ये में देखिए सभी लगभग अपने पाठ पुस्तक में मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? इंद्रजाल आपका, ठीक है, इंद्रजाल, आकाश दीप, ये क्या है, जयशंकर प्रसाद का है ना, आकाश दीप, इंद्रजल, हाँ, दीपदान आपका हो गया रामकुमार वर्मा का, सेवा सदन आपका ये जयशंकर प्रसाद का, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का, मतलब आप सेवा सदन, सॉरी, उनका सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये उनका प्रेमचंद का है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, देख सकते हैं इसमें भी, देखिए जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, मतलब कि आपका चारों देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है आपके पाठ्य पुस्तक से, ठीक है, तो आपको डरने वाली बात नहीं है। आगे चलिए इस पेपर की ओर बढ़ते हैं, उनको तो मैंने आपको दिखा दिया। आगे देखिए, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और एक है अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट, इन सभी को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखना है। आगे देखिए क्या दिया गया है, रीतिकाल की दो विशेषताएं लिखिए, प्रगतिवाद की दो प्रवृत्तियां लिखिए, प्रवृत्तियों को मतलब विशेषताएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, विशेषताएं लिख देना बिल्कुल सही रहेगा। प्रीपुरवास की रचयिता का नाम लिखिए, ठीक है, ये आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउद्दीन की रचयिता। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया भाई, एकदम सेम क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है, मैं आपको अगर दिखा दूँ, ठीक है, ये 2019 का है, आपको अगर दिखाएं तो इसमें देखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा की दो विशेषताएं पूछा, छायावाद के किसी एक लेखक का नाम पूछा, द्विवेदी की दो प्रवृत्तियां पूछा, इसमें देख सकते हैं प्रगतिवाद की पूछ लिया है 2018 में, 2019 में, मतलब इन सभी को याद कर लेना है प्रवृत्तियां वाले क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको वीडियो भी बना दिया हूँ, फिर से बनाने वाला हूँ, ठीक है, दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका देख सकते हैं तीसरा क्या दिया गया है यहाँ पर, ये आपका संदर्भ व्याख्या करना है, तो मैं इसको दिखा बस देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको आसानी से, बस इसमें 6 नंबर का आता है, आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। आगे देखिए यहाँ पर चौथा आपका क्या आया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना, इसमें भी आपका दो आता है, दो में से एक करना होता है, सेम यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, का और खा में से एक को करना है, दोनों मत कर जाना कि भाई, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे दोनों आ रहा है मैं दोनों कर देता हूँ जिससे मेरे बोर्ड एग्जाम में और ज़्यादा नंबर एग्जाम में दे देगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, क्योंकि आगे चल के आपका प्रश्न छूटने वाले हैं, क्योंकि जो निबंध लिखना होता है या उसमें जो टाइम होता है वो आपका इसमें चला जाएगा, तो फिर आगे क्या करेंगे, और नंबर आपको उतने ही मिलने वाले हैं जितने इसमें मिलने हैं, ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। आगे देखिए जो जो गलतियां करते हैं वो मैं आपको एकदम खुल के बता देता हूं। आगे देखिए ये पूरा हो गया, मानुष हो तो वही, ये रस खान का है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए पांचवा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी एक रचना का नाम लिखिए, रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको पीडीएफ कहां पर प्रोवाइड किया जाएगा मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है, तो आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। वाह भाई लाइट आ गई, तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कवियों में से एक को लिखना, देखिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, या इन्हीं तीनों की याद कर लीजिए, तो एक न एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंस जाएगा। मैं अगर इसमें दिखा दूँ, ठीक है, एक पेपर दिखा देता हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाता है, ये 2019 का देख सकते हैं, इसमें गद्य लेखक वाले में आपका जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
आचार्य रामचंद्र सुख, जयप्रकाश भारती, आपका राजेंद्र प्रसाद। देखिए दो इसमें फंस रहा है, ये किसका है 2019 का, यानी जो जो 2018 का पेपर तैयार करके गया होगा वो 2019 में अच्छे नंबर लाया होगा। इसी तरह आप भी इसको तैयार कर लीजिए 2019 का, 2021 में भी वही आने वाला है और मैं 2019 का पेपर भी दिखाऊंगा। इसमें मैं आपको दिखा दूं अगर, ठीक है, तो इसमें देखिए कहाँ गया, ये देखिए जयशंकर प्रसाद के इसमें फंस रहा है, पद्मलाल पूनलाल बख्शी भगवत, एक तो फंस ही जाएगा, ये देख सकते हैं फंस गया। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है और सभी को आपको दोहरा लेने हैं उनकी रचनाएं, ज़्यादातर कोशिश करें क्योंकि रचनाएं तो हमेशा काम देती हैं, आपके पीछे भी काम आ जाएंगे, जो इधर है प्रश्न वो भी आप कर लेंगे आसानी से। आगे देखिए कवि परिचय में, कवि परिचय निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। वही सेम है, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया है देखिए, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा खोल के, देखिए सूरदास का तो ज़्यादा कॉमन है, राम नरेश त्रिपाठी, सूरदास का ज़्यादातर आता है, तो याद कर लें सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, इनमें से कोई ना कोई फंस ही जाएगा, ठीक है। तो चार इसमें याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कवि हैं, ठीक है, आपके पद्य में या काव्य में बोल सकते हैं। आगे देखिए आपको अनुवाद करने के लिए आता है, इसको आपको गलत ही करें लेकिन करके जरूर आएँ, जो भी आप गेस कर सकते हैं उसके अनुसार हिंदी में लिख दें उसका अनुवाद, जिसमें से आपको तीन नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है, एक नंबर तो इसका मिल जाएगा, दो नंबर इसका अगर मिल जाएंगे अगर गलत भी करोगे, लेकिन करके आना, ठीक है, क्यों अगर आता है तो कोई बात नहीं भाई, चार नंबर लेके जाओगे। आगे देखिए यहाँ पर आपका आ जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। या तो इस अनुवाद का आप इसका अर्थ लिख दीजिए या इसका अर्थ बना दीजिए। सबसे सरल होता है भाई कि इस अनुवाद का कर दें, छोटा सा होता भी है, टाइम की भी बचत होती है, तो आप अनुवाद का ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ याद कर लीजिए, सभी सुखी हों, सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, है ना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए आगे, देखिए एक बात आपको मैं और बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इस तरीके से प्रश्न आता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको दो श्लोक याद कर लेना, क्योंकि एक श्लोक मान लीजिए जिसको आप याद किए अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो इसका ये दो नंबर तो आपका छूट जाएगा, लेकिन अगर आप दो श्लोक याद किए रहेंगे तो इसमें तो एक ही आएगा, तो एक आसानी से कर लोगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दो श्लोक इतने छोटे छोटे याद कर लो, दो नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें भी, ठीक है। तो आप इसी को याद कर लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक है, इसको आप याद कर लो। और एक मैं इसमें से आपको दिखा दूं अगर, तो इसमें से आप याद कर लो बस, और क्या दिक्कत है, ये थोड़ा सा कठिन है, और मैं अरे रे चातक सावधान मनसा वाला याद कर लो, कोई भी आप याद कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उसको याद कर लो, क्योंकि यार अगर एक ये है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय व्यत्र समो वीरा वीर भाव वीरता, बहुत अच्छा है जिसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो बस आगे चलिए देखते हैं, ये आपका दो नंबर क्लियर। आगे आप इन सभी के प्रश्न तैयार कर लो जितने भी मैंने पेपर आपको दिखाया है, ठीक है, ये जैसे हंसस कुलव्रतम किम अस्ति, अलचेंद्रा का हसीत, यवन राजा हसीत, तृणाकेन और तृणाध्यमेन अर्धते, ऐसे कुछ था, मनुष्य किम हित्वा सुखी भवती, ठीक है, इस तरीके से आप सभी को याद कर लो, और इतना याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता, मैं इन सभी के आपको लिख कर बता दूंगा, ठीक है। आगे देखिए हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण आपको लिखना है, बस यही प्रश्न हर एग्जाम में आता है, आप जानते ही हैं इसको, तो इसमें भी देख लीजिए हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए, तो दोनों को याद कर लीजिए आप, 100% यही आएगा, गारंटी देता हूँ, ठीक है। आगे उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार याद कर लीजिए, दो नंबर आपका ये फिक्स है। रोला और सोठा की परिभाषा एवं उदाहरण याद कर लीजिए, याद जरूर दोनों को करें, एक को ना करें, क्योंकि आप सोचें अथवा में ही तो दिया रहता, कर लें, कभी कभी पहचानने के लिए एक का दे देता है, फिर क्या करोगे, जिससे आप परिभाषा आसानी से लिख दो, फिर पहचानना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए, एक एक शब्द आपको तीन के मेल से बनाना है, तो आपका अप हो गया, आधी हो गया, परी हो गया, उप हो गया, अभी हो गया, सा हो गया। ऑप्शन देखिए मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर बच्चे इसी पर गलती कर देते हैं, क्यों गलती करते हैं मैं आपको बता दूं, वो सोचते हैं कि बस ये सरल ही तो है, आ जाएगा, और वो तैयार करके नहीं जाते, और उपसर्ग की जगह प्रत्यय लिख देंगे या कुछ दूसरा लिख देंगे, उनको समझ में ही नहीं आता जल्दबाजी में कि आखिर ये उपसर्ग है। देखिए आप पेपर को ध्यान से थोड़ा पढ़ा करिए, ठीक है, दिमाग घुमाइए, जैसे अप से हो गया अपमान, ठीक है, अप शब्द इस तरीके से बना सकते हैं, तीन के मेल से एक एक शब्द ही तो बनाना है, अधि से हो गया अधिकार, परि से हो गया परिक्रमा, उप से हो गया उपसंहार, ठीक है, उपसंहार ही हो गया। अब देखिए अभी से हो गया अभिभ्रमण या अभिकेंद्र, है ना, समझ रहे हैं, सा से सहचर सहपाठी, ठीक है, अभिशाप भी हो जाता है अभी से, तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, उपसर्ग है, ठीक है, नौवां आपका उपसर्ग आएगा, आपका बोर्ड एग्जाम भी इसी तरह आएगा, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए, एक एक आपको शब्द बनाना है,
तो इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसमें क्या है, आखिरी में त्व आना चाहिए, जैसे करत्व, ममत्व, विवित्व, ऐसे, ठीक है। त्व आना, तत्व, तत्व भी तो आता है विज्ञान में, आप पढ़े होंगे तत्व, ठीक है। ये आपका हो गया तत्व। आगे ता, बड़कपनता, हटपनता, है ना, बड़कता आना चाहिए, ममता, कुछ भी आप कर सकते हो, पन, बचपन, ठीक है, बचपन, हटपन, पन आ जाता, आहट, गर्माहट, चहचहट, लिखावट, लिखावट नहीं आएगा, वट आना चाहिए, लिखावट, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, दिखावट, लिखावट, हैं, आखिरी में वट आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे इसको देख लीजिए, आगे देखिए यहाँ पर क्या आ गया, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह को करना, घी शक्कर, तो बस अब घी शक्कर वही हो गया, विषधर आपका, विष को धारण करने वाला आपका विषधर, नीला हो, नीला अंबर, नीलांबर, नीला हो जिसका अंबर, है ना, शताब्दी, सौ वर्षों का, सत मतलब सौ वर्षों का समूह, शताब्दी हो जाता है, ठीक है, सौ वर्ष अगर हो जाते हैं जो शताब्दी बोलते हैं, और दस वर्ष अगर दशक पूछ ले, दस वर्षों का समूह, है ना, शताब्दी, सौ वर्षों का समूह, इस तरीके से, ठीक है, सहस्त्र। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखना है आपको, भगत का भक्त हो गया, प्यारा का अंगुली का उंगली हो गया, कान का कर्ण हो गया, तो यार एक दो तो आप आसानी से कर ही लोगे, ठीक है, इस तरीके से। आगे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, सरिता, तीर, बिजली, दामिनी, है ना, ये आपको हो गया, मेघ, कामदेव, इनका आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो याद नहीं रहते जल्दी किसी को, तो आपको याद करना पड़ेगा, तो आप इनको याद कर लें, मैं इनका जल्दी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो अब दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना, मैं अब जल्द वीडियो बनाऊंगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए एवं संधि का नाम लिखिए, आपको दो का संधि करना है, अदेव, अदैव लिख दीजिए, महाोदार्य, तो महाओ, हम डबल इसका मात्रा लगा, तो बस महाोदार्य हो जाएगा, ऊपरी, उक्तम, उपरोक्तम लिख जाएगा, मनु अंतर, मनोत्तर, मनोन्तर हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको बना देना है, और संधि का नाम फिर लिख देना है, ठीक है, कौन सी यण संधि है, कौन से दीर्घ, इस समय एक संधि तो हटा दी ही दिया गया है, दो संधि थी, तो बस एक संधि जो आपका है वही आएगा, तो समझ लीजिए वही संधि आप लिख देना जो संधि हटाया गया, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के रूप पंचमी विभक्ति वचन में लिखिए, पंचमी विभक्ति वचन में लिखना है, तो ये याद हो तो आप लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इस तरह इसमें भी है, निम्नलिखित के एक धातु लकार लिखना है, पश्यतम क्या है, अपरतम, आहसान, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का संस्कृत में अनुवाद करना है, विक्रम परोपकारी राजा था, विक्रम परोपकारी राजा आसीत, है ना, यही हो जाएगा, मुझे खुद नहीं आते भाई, मैं आपको सही बताता हूँ, संस्कृत में मुझे भी नहीं आती, ठीक है, तो भाई जो नहीं आता बता देते हैं भाई, मैं संस्कृत का थोड़ी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो आपको विज्ञान पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, बस हिंदी बता देता हूँ कि आप जो गलतियाँ करते हैं उसको ना करें, ठीक है, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सहायता करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, इसमें मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि निबंध उबंध मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, योग शिक्षा की आवश्यकता, योग शिक्षा की हमें आवश्यकता क्यों है, यही प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में इसमें भी आया था, मैं आपको दिखा दूँ, शायद मुझे याद है आया था या नहीं, देखिए योग शिक्षा की आवश्यकता ये वाला शायद होगा पेपर, तो ये पेपर आपको मैं दिखा दूँ अगर, ठीक है, देख मेले शायद 2020 में आया था, ठीक, अब देख लेना, योग शिक्षा की आवश्यकता, मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता, वर्तमान समय में समाचार पत्र की उपाध्येता, देश प्रेम, बढ़ती आबादी, मैं आपको बता दूँ देश प्रेम हर साल आता है लगभग, तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें, हो सकता है आ जाए, ठीक है, ये देश प्रेम आया, और इसमें भी मैं अगर दिखाऊँ 2018 से ये देखिए लगातार आ रहा है, तो देश प्रेम, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिए, मेन बात आपका आ जाती है भाई, इसको तैयार कर लीजिए, बढ़ती आबादी, सिवेस्टी शांत तैयार कर लीजिए, इससे क्या होगा, बेरोजगारी पर आसानी से आप लिख सकते हैं निबंध, दो निबंध आपका एक साथ तैयार हो जाएगा, और सड़क दुर्घटना पर तैयार कर लीजिए, और बेरोजगारी, ये देखिए बेरोजगारी और बहुत अच्छे, अच्छा है ना, ये भी आता है हर साल, तो बस इनको याद कर लीजिए, आपका आसानी से आ जाएगा भाई, ये लाइट लुपलुपा रही पता नहीं क्यों, ठीक है, तो देखते हैं भाई अब यहाँ पर आगे, यहाँ पर मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम, प्रदूषण की समस्या, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका आ जाता है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये खंडकाव्य आपको अपने टीचर से पूछ लेना है, क्योंकि ये खंडकाव्य मैं तो खुद नहीं बता सकता, क्योंकि यार देखिए हर मेरे चैनल से बहुत सारे लड़के जो हैं वो तैयारी करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि मैं खुद नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, तो आप क्या करिए, यार लाइट दिक्कत कर रही है, यार लाइट हमारी दिक्कत कर रही है आज पता नहीं क्यों, तो देख सकते हैं इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है, तो अब ये आपका हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है, इसको आप अपने टीचर से पूछ लेना और आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, और PDF डाउनलोड ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पेपर हल करने की कोशिश करें, 3 घंटा लेकर एक टाइम में बैठ जाएं और पेपर आसानी से हल करें, कोई चीटिंग ना करें, ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें 7897487008, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।